वैसे दोस्तों आपको मालूम ही है कि जेम्स कैमरून एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। जेम्स कैमरून अपने अलग नजरिए और नई तकनीकों को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक मूवी तो आप सभी ने देखी होंगी। 1997 में आई ये फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। टाइटैनिक मूवी ने 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। टाइटैनिक के 12 साल बाद साल 2009 में जेम्स कैमरून ने अवतार लाई। दोस्तों हॉलीवुड की फ्रेंचाइजी अवतार का पहला पार्ट 2009 में आया था और उस समय वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उस समय अवतार ने 24,000 करोड़ की कमाई की थी और टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ा और उसके 13 साल बाद 16 दिसंबर 2022 को अवतार 2 रिलीज की गई। और दोस्तों अवतार 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद धड़ल्ले से कमाई कर रही है। इंडियन बॉक्स ऑफिस में रिलीज के पहले दिन ही मूवी ने 41 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की और दूसरे दिन भी मूवी के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुए और मूवी ने दूसरे दिन 43 करोड़ कमाए। अपने तीसरे दिन यानी संडे को मूवी के कलेक्शन में और ग्रोथ हुई और मूवी ने 47 करोड़ तीसरे दिन कमाए। और इसी के साथ फ्राइडे से संडे के अपने पहले वीकेंड में ही मूवी ने 130 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस में पार कर लिया है और अपने चौथे दिन भी मूवी के कलेक्शन में अच्छा होल्ड दिखने को मिल रहा है। और सोमवार को भी मूवी 18 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। वही अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो रविवार तक मूवी ने 36 अरब की कमाई कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जेम्स कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी के टोटल 5 पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें से दूसरा 16 दिसंबर को रिलीज हुआ है और आप लोग शायद देख भी चुके होंगे। बाकी के 3 पार्ट की भी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और शूटिंग चल रही है। जेम्स कैमरून के तरफ से अगले 3 पार्ट की रिलीज डेट भी दे दी गई है, जो 20 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2026 और 22 दिसंबर 2028 में देखने को मिल सकता है। अगर आप अवतार का दूसरा पार्ट देख चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी और आगे के पार्ट में क्या हो सकता है। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।